नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के संजय गांधी अस्पताल की हो चुकी लचर व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने आज अस्पताल में ही धरना दे दिया। धरने में बैठे कांग्रेसियों ने इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र भी सौंपा है। ज्ञापन पत्र में मांग की गई है कि रीवा संभाग की जीवन रेखा कही जाने वाली संजय गांधी अस्पताल की इस समय व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, जिसे जल्द से जल्द सुधारने की आवश्यकता है। धरने में बैठे कांग्रेसियों ने कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को लेकर इलाज कराने आ रहे मरीजों की असमय मौत हो रही है। जूनियर डॉक्टरों के हवाले अस्पताल चल रहा है। सीनियर चिकित्सक न होने के कारण डीन के द्वारा मेडिकल कॉलेज के प्रथम वर्ष के अध्ययनरत छात्रों से इलाज कराया जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों को अस्पताल से दवा उपलब्ध नहीं हो रही है। अस्पताल में मारपीट, चोरी जैसी घटनाओं को देखकर प्रतीत होता है कि अब यह अस्पताल इलाज के लिए नहीं बल्कि अपराधियों का अड्डा बन चुका है, जिसे जल्द से जल्द सुधारने की आवश्यकता है। कांग्रेसियों ने कहा कि जिस सपने के साथ स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के द्वारा इस अस्पताल का निर्माण कराया गया था, उसे उसी रूप में चलाया जाए तो विंध्य में इससे बड़ी मेडिकल सुविधा नहीं होगी। जी, आज हम लोग संजय गांधी की अव्यवस्था को लेकर सद्भावना धरने पे, महात्मा गांधी के विचारों पर चलते हुए, रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम गाते हुए यहाँ बैठे हैं। जिस हॉस्पिटल के पीछे स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी ने अपना इतना बड़ा मंत्री पद त्याग कर दिया था, और बिंद नहीं पूरे रीवा संभाग की ये जीवन दायनीय जीवन रेखा कहे जाने वाली संजय गांधी हॉस्पिटल को उन्होंने स्थापित किया था, ताकि यहाँ के गरीब, असहाय, दबे कुचले लोगों की दवा, जो दिल्ली बम्बई नहीं जा सकते, वहाँ अच्छे से अच्छा इनकी ट्रीटमेंट हो सके। लेकिन विगत एक वर्षों से देख रहे हैं कि यहाँ न तो दवाओं का इतना ज़्यादा अभाव है, न तो डॉक्टर समय पे रहते, न तो आने वाले मरीजों को किसी प्रकार से चिकित्सा सुविधा मुहैया करा पाते। मरीज बाहर से आते हैं रात को, अगर किसी प्रकार की कोई सहायता डॉक्टर से मांगते हैं तो आए दिन उनके साथ मारपीट हो रही है, उनके पैसे छीन लिए जाते हैं, और डॉक्टरों द्वारा ये कह दिया जाता है कि जो जाओ, जब तुमको जो करना है कर लो। अरबों रुपए खर्च करके शासन प्रशासन ने इतनी बड़ी हॉस्पिटल संजय गांधी में आदरणीय दादा के प्रयास से स्थापित की है। मेरी मांग है कि यहाँ जो पूर्व की व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से चले। यहाँ डॉक्टर की कमी है, गायनी विभाग में भी महिला डॉक्टर की कमी है, इसको पूरा किया जाए, और जो ऐसे डॉक्टर मारपीट करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे आम जनमानस के अंदर जो एक भय व्याप्त है कि हम संजय गांधी न जाब मर जाब तो मर जाब, नहीं डॉक्टर वहाँ जाए कोई सौ मारे लगा था, मार डाला था, यह भ्रम टूटे। शासन से हमार मांग है कि माँ जैसन पूर्व के भांति लोगन के दवाई होत रही है, वो तरीके से दवाई हो। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैं हरीश चतुर्वेदी हूँ, पूर्व यूथ कांग्रेस रीवा जिले का लोकसभा महासचिव हूँ। धन्यवाद। ये आज समस्त कांग्रेस पार्टी जिला रीवा की इकाई के द्वारा संजय गांधी हॉस्पिटल में की व्यवस्था को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर कलेक्टर सर के माध्यम से। इसमें ज्ञापन में बिंदु मुख्यतः ये है कि जो भी यहाँ पर स्टाफ का कमी है, नर्सिंग स्टाफ का, और जो इलाज में कुछ भी कमी रह पा रही है उस कमी को पूरा किया जाए, और जो स्टाफ यहाँ पर नहीं है उनकी जल्दी से जल्दी भर्ती की जाए, और जो भी जनता इलाज के लिए आती है उनको व्यवस्थित और स्वस्थ इलाज यहाँ पर प्राप्त हो सके, उसी के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है।